सोलन में स्थित साउथ वैली स्कूल में दूसरा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खन्ना ने शिरकत की। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो उठे। साउथ फिल्म के निर्देशक ऋषभ चोपड़ा ने बताया कि बच्चों की अपनी प्रतिभा को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चों को उनके अंदर छिपी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अनेक गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों में रोजाना होने वाली दिनचर्या में लाभ मिलता है। हमारा सेकंड एनुअल फंक्शन है। हमारा स्कूल एक बहुत ही फीडबैक बेस्ड स्कूल है। हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बहुत फोकस करते हैं। आज हमारा एक शोकेस है पूरे साल का, जो पूरा हम पूरे साल के पूरे कार्यक्रम को आज हम लोग स्टेज पे लेके आते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना जी हैं और डॉक्टर खोसला हैं। स्कूल में हम लोग लाइफ स्किल्स बेस्ड से एक्चुअली पढ़ाते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँगा कि हम लाइफ स्किल्स बेस्ड, जैसे कि एयरपोर्ट पे कैसे जाना होता है, सिंपल अकाउंटिंग कैसे होती है बच्चों की, मतलब हम लोग फोकस करते हैं कि लाइफ में जो बच्चे को काम आएगी चीज़ें और स्किल्स, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं नॉर्मल कन्वेंशनल पढ़ाई से ज़्यादा। बिल्कुल, ये चीज़ सारे स्कूलों से बहुत डिफरेंट है। कोई भी यहाँ पे, बल्कि ये करिकुलम इवन ऑस्ट्रेलिया में इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट के बेस पर है और हम फीडबैक के बेस के ऊपर इसको बेटर करते रहेंगे।